स्टोरी वॉज रियली नाइस एंड से पहले तक तो इट वॉज रियली गुड, बट एक जो चीज़ मिसिंग थी कि जैसे 60 टाइम जो पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था, आई थिंक वो चीज़ भी थोड़ी शो थी। तो और अच्छी थी स्टोरी, बट हाँ ये है कि जैसे सिनेमा में हो सकता है उन्होंने कुछ अपने थोड़े उसमें चेंजेस किए हों, बट ओवरऑल जो मैसेज और हिस्ट्री थी वो सेम ही थी, उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं है। एकदम पूरा मतलब हिस्टोरिकल जो आया है ना मूवी का, मतलब है कि हम 2.5-3 घंटे में पूरा उसको जज कर लेते हैं कि किस टाइप का है, लेकिन ऐसा इसमें कोई शो नहीं हुआ। अच्छी पिक्चर है, आप भी जाके देखो, बहुत अच्छी पिक्चर। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी सहगल और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज़। 18 साल के लंबे रिसर्च के बाद बनी मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है, और इस पर पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए हम पहुँचे हैं दिल्ली के रिवोली सिनेमा में। आइए जान लेते हैं इस पर पब्लिक क्या कहती है। अच्छी थी स्टोरी, बट हाँ ये है कि जैसे सिनेमा में हो सकता है उन्होंने कुछ अपने थोड़े उसमें चेंजेस किए हों, बट ओवरऑल जो मैसेज और हिस्ट्री थी वो सेम ही थी, उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं थी। इसके जो डायरेक्टर है कहा जाता है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, जो वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो रियलिटी जो है वही दिखाते हैं, सच्चाई। तो इस मूवी में आपको लगा कि सच्चाई दिखाई गई? सच्चाई दिखाई गई है, बट प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वही बात है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं या मैं किससे बात करूँ, दोनों के बात में फ़र्क होगा। हाँ, एक कॉमन पॉइंट हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द हम हर जगह नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ थी। मूवी का कोई ऐसा डायलॉग जो काफ़ी अच्छा लगा हो आपको? काफ़ी सारे थे, मतलब काफ़ी कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो इंडियंस के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था उस चीज़ को लेके, तो काफ़ी था उसमें, आपको देखनी चाहिए। तो आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि अक्षय कुमार की जगह यहाँ पर कोई और एक्टर होता तो इस भूमिका को मतलब अच्छी तरह से निभाता? एक्चुअली ये रोल बहुत चैलेंजिंग था, तो हर कोई नहीं कर पाता। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, वी मस्ट अप्रिशिएट हिज वर्क, तो ये चीज़ है। मानुषी छिल्लर का रोल आपको? शी वॉज लुकिंग वेरी गुड। संजय दत्त का? बहुत अच्छा रोल, जो पुराने संजय दत्त कहीं ना कहीं हमें देखने में मिले उसमें। हमें ना हिस्ट्री में पहले ऐसा पढ़ाया नहीं गया है, मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन अब मूवीज़ में जो है पिछले कई सालों से ऐसी मूवी आ रही है जिसमें हमें हिस्ट्री के बारे में देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं खुद एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा एक राजपूत के अंदर एक छोटा सा टॉपिक मिल जाता है, वो डीप उनकी स्टडी नहीं है, तो ये हमारे एजुकेशन बोर्ड्स को समझनी चाहिए चीज़ें, और जो ऐसे इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में बताना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। कितने पॉइंट्स देना चाहोगे आप इस मूवी को? इट्स अ फुल ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर, आई मस्ट से लाइक 4 स्टार 4 आउट ऑफ। लगी एट लास्ट, बिकॉज जिस तरीके से चंद उनको बोलता है कि मच्छू के पृथ्वीराज कितने गज पे कितने इंचज पे गज नहीं बैठा था, वो चीज़ मुझे लगा कि वो चीज़ भी दिखानी चाहिए थी। यू कैन नॉट मेक कि आप ठीक है, इट्स लाइक कि इंडिया में रहते हैं, इट्स अ सेकुलर थिंग। मूवी की स्टोरी? स्टोरी वॉज रियली नाइस एंड से पहले तक तो इट वॉज रियली गुड, बट एक जो चीज़ मिसिंग थी कि जैसे 60 टाइम जो पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था, आई थिंक वो चीज़ भी थोड़ी शो थी। तो और मनुषी छिल्लर की फर्स्ट मूवी है, तो उनका रोल आपको कैसा लगा? इट वॉज रियली गुड रोल, बहुत अच्छी उन्होंने एक्ट करा, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट शी कैन डू। ऐसा लगा कि कोई भी जो है वो सीन ऐसा आया हो जहाँ अक्षय कुमार की जगह आपको लगा हो कि कोई और एक्टर होता तो इस किरदार को बेहतर निभा पाता? नो, आई थिंक अक्षय कुमार वाज बेस्ट। मूवी की स्टोरी के बारे में? हाँ ठीक था, हमारा इतिहास जैसे पृथ्वीराज चौहान का जो एज ए कैरेक्टर दिखाया था ना उसमें अक्षय कुमार अच्छा था वो। और जो ये डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनको कहा जाता है कि ये सच्चाई को दिखाते हैं, तथ्यों के साथ इस कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो क्या सच में सच्चाई दिखाई गई है इसमें? हाँ दिखाई है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा कुछ मिस लगा था इसका पॉइंट कि एकदम पूरा मतलब हिस्टोरिकल जो आया है ना मूवी का, मतलब है कि हम 2.5-3 घंटे में पूरा उसको जज कर लेते हैं कि किस टाइप का है, लेकिन ऐसा इसमें कोई शो नहीं हुआ। मीन्स जो उसमें जो गौरी थे उनके साथ उनका लड़ाई और उसके बाद दैट्स इट, इतना ही था। पहले हमें हिस्ट्री में जो है इस तरह से पढ़ाया नहीं गया इतना डीपली हमारी हिस्ट्री में हमारे राजाओं के बारे में, लेकिन अब जो है बॉलीवुड में जो है इस पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन रही हैं, तो आपको इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ मतलब बन रहा है, लेकिन वो ठीक है, हमारी मतलब चाइल्डहुड में जो बच्चे जिन्हें पता नहीं है कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में उनके लिए अच्छा है, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि शॉर्ट टाइम में जो एक पूरा ब्रीफ दिखाते हैं ना वो थोड़ा सा मिस लगा अदरवाइज़। मनुषी छिल्लर की फर्स्ट मूवी थी, तो आपको मनुषी छिल्लर का रोल कैसा लगा? हाँ उनका अच्छा था, उनका लग नहीं रहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने एज अ डेब्यू इस मूवी से किया है, बट ठीक था कैरेक्टर उनका अच्छा था थोड़ा सा जितना उनका दिखाया उस। संजय दत्त का? संजय दत्त का तो अच्छा था। कितने पॉइंट्स देना चाहोगे? ठीक है 10 out of 8 at 8। मेरा नाम है अंकुश फ्रॉम कुरुक्षेत्र स्टेट हरियाणा, मैं यहाँ पे पिक्चर देखने आया था, बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी है, तो देखा थिएटर वगैरह, ये सेकंड शो देखा मैंने सीपी के अंदर, तो थिएटर वगैरह तो बिल्कुल खाली था यहाँ पे, पर आई एम बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार जिसने पृथ्वी चौहान का
पृथ्वीराज चौहान का जिसने रोल किया, अच्छी पिक्चर है, आप भी जाके देखो, बहुत अच्छी पिक्चर है। अभी हमें ना हिस्ट्री में इतना डीपली पढ़ाया नहीं गया है इसके बारे में, लेकिन आजकल बॉलीवुड में मूवीज बन रही है तो इस पर आप क्या? हाँ, ये जो इतिहास दोहराया गया है न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, बहुत अच्छी पिक्चर है वैसे, देखो आप भी। वैसे तो ये मूवी जो है इतिहास के पन्नों को खोलती है जो इसे खास बना देता है, साथ ही इसमें जो है मुख्य किरदार की भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है वो भी इसे बहुत खास बना देती है, लेकिन सिनेमा घरों की हालत देखकर इस मूवी को देखकर लोग इक्का दुक्का ही लोग निकल रहे हैं, ये दर्शाता है कि मूवी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। दिल्ली से पैंकर न्यूज़ के साथ पिंकी सहगल।